भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री पहुंचे गुना। उनके साथ वरिष्ठ प्रदेश महामंत्री भी थे। यहां नेहरू पार्क में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अनुशंसा पर महेश पसोरिया को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं महामंत्री द्वारा उनको जिला अध्यक्ष बनाने का लेटर भी दिया गया। जिला अध्यक्ष बनने के बाद महेश परोसिया ने कहा कि वह सफाई मजदूरों की समस्याएं हल करेंगे, साथ ही जो सफाई मजदूर नियमितकरण से वंचित रह गए हैं उनको भी नियमित किया जाने की मांग की जाएगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन। एक मिनट, मैं प्रदेश महामंत्री दामोदर परोसिया और आय सहेले प्रदेश महामंत्री दोनों हम आपके बीच में आपके कर्मठ कार्यकर्ता जो आपके साथ हमेशा आपकी लड़ाई के जो लड़ते हैं श्री महेश पारोसिया जी को आपका जिलाध्यक्ष अभियान में करने आए हैं। आप सबकी सहमति है आगे। राजेश सहेले अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री और मेरे साथ में मेरे बड़े भाई परम आदरणीय श्री दामोदर करोसिया जी, प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मगन झांझोड़ जी की सहमति एवं उनकी अनुशंसा पर ही माननीय हमारे दामोदर करोसिया जो प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री हैं उन्होंने जो है श्री महेश पारोची जी को गुना जिले का जो है जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये हमारे जिले अध्यक्ष होने के नाते हमारे सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर के तले, उसके लेटर हेड के तले जो भी हमारे सफाई कामगार हैं उनकी लड़ाई सतत लड़ेंगे, इसलिए हम इन्हें यहाँ अध्यक्ष बनाने के लिए आए। अब ये हमारे प्रदेश के महामंत्री दो दो आए हुए हैं, इन्होंने मुझे आज जिले का अध्यक्ष बनाया है, तो मैं निष्ठा पूर्वक मेहनत लगन से अपना कार्य करूंगा। सफाई कर्मचारियों की जो भी लड़ाई होंगी उनको तो मैं अभी तक लड़ता ही चला आ रहा हूं, लेकिन क्या है कि अभी हमारे ऊपर प्रदेश लेवल का अभी हाथ नहीं था, इसलिए अब हमको प्रदेश की भी शक्ति मिल गई है तो हमारी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये ज़्यादा शक्ति हमारे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी, उनका जो भला हो सकेगा करेंगे। कुछ कर्मचारी हमारे रह गए हैं वर्तमान में जो परमानेंट नहीं हो पाए हैं, अनियमितीकरण में नहीं आ पाए हैं, उनको हम सीओ साहब से बोल चुके हैं कि अनियमितीकरण इनका करवाया जाए, जिससे कि जो 145 शेष जो रह गए हैं उनका अनियमितीकरण करवाया जाए और जो कर्मचारियों को कम वेतन दिया जा रहा है 4000 और 5000 की मात्रा में जो दिया जा रहा है वो उनको कलेक्टर रेट दी जाए और उनको पीएफ काटा जाए, ईपीएफ जो होता है वो काटा जाए, जिससे कि भविष्य में मान लो किसी घटना दुर्घटना हो जाए तो उसके बच्चों को कुछ तो मिल सके।